क्या यार, घर बैठे बैठे बोर हो गए यार। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। चले यार टीवी लग गए। तो 3 मई के बाद क्या होना है, सवाल सबके मन में यही है। एक तरफ ये बढ़ते हुए आंकड़े हैं जो 29,000 को पार कर चुके हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्रियों के साथ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हुई तो उसमें कुछ राज्यों ने लॉकडाउन पर खुलकर बात रखी तो कुछ को केंद्र के फैसले का इंतजार है। बंद करो यार। हर जगह यही सब। बस यार बहुत हो गया, अब बोर नहीं घर बैठा जाता। अरे बेटा जी पापा, इस टाइम कहाँ जा रहे हो? फ्रेंड के पास जा रहा हूँ। अभी लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ और कोरोना वायरस और बढ़ता जा रहा है। अरे आपका बेटा शेर है, शेर कुछ नहीं होता कोरोना वरोना से, मुझे टेंशन ना लो, मैं जल्दी आ रहा हूँ। आजकल के बच्चे भी ना कहाँ सुनते हैं माँ बाप की। थर्ड मई के बाद किस तरीके से देश आगे जाएगी उसके बाद में एक्टिव था आया इंसेक्टिव जो है वो हमारे सामने आएगी। हाँ बेटा आ गया तू। बोला था ना आपका बेटा शेर है, कुछ नहीं होता। मुझे नहीं पता था मैं साथ वायरस लेके आया हूँ। अगर पापा की बात सही होती तो शायद ये सब नहीं होता। आजकल के बच्चे भी ना बस जहाँ बर्तन रखने होते वहाँ रखते नहीं। मेरी इम्यूनिटी वायरस से लड़ सकती थी पर शायद मेरे पापा की नहीं। ओ जीना 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 उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरी। हेलो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन बटन दबाओ ताकि जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो आपको जल्दी देखने को मिले। और कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो ताकि आपका सपोर्ट और प्यार हमें मिलता रहे। तो लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, स्टे होम, लव लव।